कि हम जितने भी पढ़ जाएं, हम पीएचडी कर जाएं, हम डॉक्टरेट कर जाएं, मेडिकल का एमएस कर जाएं, एमडी कर जाएं, लेकिन मेरे नियम बनाने वाला वहाँ बैठा जो है विधानसभा में लोकसभा में, वो उसके पास तो कुछ भी अकल नहीं। और बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वही प्रत्याशी जब जीत जाते हैं उसमें सत्ता पे आ जाते हैं, फिर वो उनका क्या होता है, फिर क्यों उस तरह चुप हो जाते हैं? बहुत बढ़िया है, आज के डेट में YouTube ब्लॉग्स का बहुत क्रेज़ है, Instagram का क्रेज़ है, बहुत सारे इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं, कई तो नेता YouTube नेता ही बन के कमाल करते जा रहे हैं, ज़मीन पर हो ना हो YouTube के नेता खूब बन जाते हैं। बोलो ये जो है कसमार का ज़मीन आधा बंजर है, 3% 4% पर खेती हो रही है और मैक्सिमम लोग पलायन कर रहे हैं। आपको मैं अगर कसमार में 500 एकड़ जमीन दूँ तो आप क्या करोगे? प्राइमरी में एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, हायर सेकेंडरी में क्या प्रॉब्लम है, कॉलेजेज में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका समाधान होगा? सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से नहीं चलेगा, प्रॉब्लम गिनाने के लिए 1000 नेता हैं, कई नेता तो प्रॉब्लम गिना गिना के नेता बन जा रहे हैं। समाधान, तुम तो ईमानदार हो भाई साहब, लेकिन तुम्हारे नीचे वाला बेईमान है, आप वहां से भेजोगे कुछ वादा चुरा के खा जाएगा रास्ते में। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको इतना विश्वास है कि आपके नाम पर चुनाव होता है तो आप सबसे पहले नीचे वाला प्रत्याशी भी सही चुनो, माफिया गुंडे लंपट को मत आने दो। भले ही वो लड़का नौजवान इसके जैसा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, इसके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन बेचारा कहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ईमानदारी भी मन में है कि हम स्टेट के प्रति कुछ काम करें, इसको बना दो। क्या जरूरत है किसी बड़े नामी गिरामी कद वाले नेता को रखने का जिसका कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं। नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जेकेबी ब्लॉगर। जो कि अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां अपना हिस्सा ले रही है, अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा एक पार्टी और उभर कर आया है जिसका नाम है सुशासन दल। तो आइए हम सुशासन दल के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। मेरा नाम राम किंकर पांडे हुआ, मैं पूर्व में शिक्षक रहा और शिक्षक रहने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति लेकर राजनीतिक गतिविधि में आया और मैं विधानसभा चुनाव एक दल से लड़ा, फिर दूसरे दल में हम लोग मंच कर गए। 5 वर्षों के पश्चात जब हमें महसूस हुआ कि मैं जिन उद्देश्यों को लेकर राजनीति में आया हूँ वह उद्देश्य को लेकर ये पार्टियाँ उतनी गंभीर नहीं हैं, तो हमारे साथ कई ऐसे लोग थे जो समान विचारधारा के थे, मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों ने महसूस किया कि हम जिस उद्देश्य से जिस लक्ष्य से राजनीति करना चाहते हैं इस प्रदेश में, इन दलों के पास वो कोर इश्यूज़ नहीं है, उसकी प्राथमिकता नहीं है। तो हम लोगों ने विचार किया इस पर क्या किया जाए, तो हमने समझ गया कि हम तो इन्हें सुधार नहीं सकते, क्यों ना एक मंच बनाकर हम अपने उद्देश्य जिस सार्थक उद्देश्य के साथ राजनीति में आए थे उसको पूरा करें, उसको झारखंड में सुचारू रूप से लगाएं। अभी झारखंड में ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे उम्मीदवार भी खड़े हो चुके हैं, तो आपका इसमें क्या मेन रीज़न है जो अचानक से इस पार्टी का आपने गठन किया, तैयार किया, इसका मेन रीज़न आपका क्या है और विजन क्या है? पूरे देश में हजारों पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से वही पार्टियां चल रही हैं जिनके पास अच्छा विचार है, अच्छे विजन हैं, अच्छे नेता हैं, कार्यकर्ता भरोसेमंद है, तो वो पार्टियाँ आगे बढ़ रही हैं। और ये तो सनातन प्रक्रम है कि हर नई बात आती है, नए विचार आते हैं और उसके अनुसार दल बनता है, और दल वही चलता है जिसके पास अच्छे विचार होते हैं। यदि हमारा विचार सही है और स्थायी समाधान की ओर है तो हो सकता है जितने दल आज आप देख रहे हैं उनमें हम एक नंबर पे आ जाएंगे कुछ दिनों में। लेकिन अभी जो पार्टियां लगभग 2 साल से 3 साल से अपना काम कर रही है, और आपने इलेक्शन का कुछ 1 महीने बचे हुए लगभग स्टार्ट होने में और आपने अचानक से पार्टी का गठन किया है, क्या उद्देश्य है? नहीं, हम लोग देखिए ये पार्टी गठित करने के पीछे हम लोग सालों भर से लगे हुए थे। हम अपने दल को बोल रहे थे कि जब ये चुनाव में हमारा जो कोर इश्यूज़ है इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें, हमारे मुद्दों पर राजनीति अब करें, जब चुनाव में जाएं तो हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके समाधान पर आप सोचें, वैसे प्रत्याशी लाएं जो इसके लिए गंभीर रहेंगे।
तो उन दलों में हमारी बात अनसुनी हो जा रही थी, तो हमने दल बनाने का प्रयास किया। और ये अब इत्तफाक है कि उस समय तक चुनाव आ गया, दल बनाने के लिए कोई ऐसा विशेष नहीं था कि चुनाव के समय ही दल बनाना है। अगर आप सत्ता में आए हैं, अगर सत्ता में आप जीत जाते हैं इस लोकसभा के लिए, तो आपका क्या पहला कदम क्या रहेगा? देखिए, लोकसभा में सत्ता में हम अभी कैसे आ सकते हैं, तो मजाक का विषय हो जाएगा ना। अभी हम चुनाव में अभी आए भी नहीं हैं, हमारा अभी सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ है, हम प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, सत्ता माने तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चूंकि हमने जो दल बनाया है, हमारे साथ जो समर्थक हैं, हम लोग उस विषय पर किसी का सहयोग करेंगे जो हमारी बात हमारे एजेंडा के साथ चलेगा। अगर हमारा काम किसी और के माध्यम से होता है तो उसका सहयोग भी करें। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस समय सभी लोग फोकस कर रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी का, तो क्या लगता है, आप प्रत्याशी को उतारना चाहेंगे या फिर किसी को समर्थन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि अभी हमारी पार्टी गठित हुई है, अभी हमें चुनाव आयोग से सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम कोई प्रत्याशी उतारने का इतनी हड़बड़ी में रिस्क नहीं ले सकते ना। कोई भी प्रत्याशी है उसको 6-8 महीने समय चाहिए, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसको बहुत समय चाहिए उसके लिए तैयारी करने के लिए, तो जो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम है, जिस कोर इशू के साथ आगे बढ़ रही है, हमें लगेगा कि फला प्रत्याशी इस इशू पर काम करने लायक है, जैसे हर बैगन काना होता है लेकिन उसमें भी काट कूट के सब्जी बनाने लायक बन जाता है, तो कुछ अच्छे प्रत्याशी इसमें भी होंगे, भले वो जीते हारे वो उनकी किस्मत है, जनता और जनार्दन है उसके लिए, लेकिन मैं और हमारा दल उसी को समर्थन देंगे जो हमारे बिंदु पर नजर आएंगे, हमारे इश्यूज पर काम करने की मंशा रखते हैं, और अगर वो जीत गए तो अच्छी बात है। अभी के यहाँ के झारखंड के लोग जो हैं वो लगातार जब पढ़ाई लिखाई करते हैं अच्छी तरह से उसकी पूरी हो जाती है, और उसके बाद जब उन्हें जॉब नहीं मिलता तो उस स्थिति में उनको घर छोड़ छाड़ के बाहर जाना पड़ता है, प्लान कर रहे हैं, तो आखिर क्या इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल इसी के लिए तो हम लोग आए, सवाल यही है। हमारा झारखंड 24 साल पहले अलग हुआ और देश का 40% माइंस एंड मिनरल्स जो है इसी प्रदेश का है, तो उसके जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं और जा रहे हैं, माल वहाँ तैयार होता है, रोजगार वहाँ जनरेट होता है। अगर हमारी सरकारें, पूर्व की सरकारें सचेत होती, उनमें इच्छा शक्ति होती काम करने की, तो वो इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाते। अब जैसे एक साधारण उदाहरण में बताता हूँ, पता नहीं आपका दायरा कितना लंबा चौड़ा है, मैं तो पूरा झारखंड हजारों बार भ्रमण किया हूँ, एक एक गांव को जानता हूँ। आपको पता होगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ही गिरिडीह जिला का जो एक भाग है वह अब्रक माइंस के रूप में माना जाता है, और वह अब्रक माइंस आज के समय में बंद हो चुके हैं क्योंकि अब अब्रक का उपयोग बिजली के संयंत्रों में कम हो गया है, उसके सब्स्टिट्यूट निकल गए। अभी उन माइंस के अंदर और भी कई चीज़ें निकलती हैं, कई ऐसे प्रेसियस जेम स्टोन्स निकलते हैं, उसमें एक बहुत ज़्यादा आयातक बहुत ज़्यादा होता है क्वार्ट्ज। चूँकि आप बहुत कम उम्र के हैं, अभी कोई और आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, रिसर्च भी करना पड़ेगा, आप लोग बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, थोड़ा सा गति रोकिए और थोड़ा सा पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखना है और आपको जानना भी है। अब ये क्वार्ट्ज पत्थर क्या होता है, क्वार्ट्ज पत्थर के बहुत सारे उपयोग हैं, उसके बर्तन बनते हैं, वो बिजली का कुचालक होता है, तो जो आप इंसुलेटर देखते हैं बिजली पोल में जिसमें तार बांधे जाते हैं वो बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वार्ट्ज पत्थर पीस करके जब बनाए जाते हैं इंसुलेटर तो यहाँ नहीं बनते, वो पश्चिम बंगाल में बनता है और पश्चिम बंगाल से सरकारें यहाँ लाती हैं। अब आप सोचिए, क्वार्ट्ज पत्थर जाता है पश्चिम बंगाल से फिर वहाँ से बन के आता है, कितना कॉस्ट बढ़ गया, कोई रोजगार जनरेट नहीं हुआ, मिट्टी भी हम कोड़ के खन दिए, गड्ढे बना दिए। अगर सरकारें चाहती तो इंसुलेटर फैक्ट्री अगर गिरिडीह के आसपास बना देती तो वही क्वार्ट्ज पत्थर वहीं पिसाता, वहीं उस पर प्रोसेस होता और कई लोगों को रोजगार भी मिलता और व्यापार भी बढ़ता और अर्थव्यवस्था भी खड़ी होती, राज्य को रेवेन्यू भी मिलता। तो समाधान के रास्ते अनेक हैं, लेकिन चूंकि नेता लंपट हैं, मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, बहुत सारे नेता लंपट हैं, जिनको अपने धन कमाने की जरूरत है, उनको धन कमाना है, वो पैसा उठाते हैं फिर चुनाव में पैसा बांटते हैं, समाधान नहीं निकलता है, जनता भी
इस ओर कभी ध्यान नहीं देती है। यही एक मौका है चुनाव का कि जब आपको सही विषय पर जाना होगा, क्योंकि 5 साल नेता टेंशन में रहता है कि पैसा कैसे कमाए कि 5-7 करोड़ लेके उतरे चुनाव में। जब वो 5-7 करोड़ चुनाव में फूकेगा तो 25 करोड़ उसको कमाना पड़ेगा फिर 5 साल। तो आपको समझना पड़ेगा कि पिछली जो भी सरकारें चली, जितने भी नेता आए, किसी में विजन नहीं था, किसी को अपने स्टेट के बारे में रिसर्च नहीं था और इच्छा शक्ति भी नहीं थी। उनका सोल उद्देश्य था कि नौकरी नहीं लगी, नेतागिरी कर लो, नेतागिरी करके ठेकेदारी कर लेंगे, ठेकेदारी करके पैसा आएगा तो चुनाव लड़ लेंगे। इलेक्शन के टाइम में सभी जितने भी पार्टियां होती है और जितने भी उनके जो उम्मीदवार होते हैं वो जगह जगह पर जाते हैं वोट मांगने के लिए पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वही प्रत्याशी जब जीत जाते हैं उसमें सत्ता पे आ जाते हैं फिर वो उनका क्या होता है, फिर क्यों उस तरह चुप हो जाते हैं? बहुत बढ़िया है, आज के डेट में YouTube ब्लॉग्स का बहुत क्रेज है, Instagram का क्रेज है, बहुत सारे इंटरव्यू वायरल होते रहते हैं, कई तो नेता यूट्यूब नेता ही बन के कमाल करते जा रहे हैं, जमीन पर हो ना हो यूट्यूब के नेता खूब बन जाते हैं। मैं आपसे एक विचार करता हूँ, आप मेरे युवा साथी हैं, बहुत अच्छे जानकार भी हैं, आप एक काम करो, आप यूट्यूब के जरिए एक एक नेता को आप अपना एक रिसर्च पेपर तैयार करो कि किस जिले में क्या खासियत है, कहीं चावल ज़्यादा होता होगा, कहीं सब्जी की खेती अच्छी होती होगी, कहीं मांस माइंस अच्छा होता होगा, कहीं का जमीन खाली पड़ा हुआ है तो उस पर फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, वहाँ उद्योग खड़े करने चाहिए। आप एक एक विषय एक एक जिला पर रिसर्च करो और एक सवाल खड़ा करो और उस सवाल को लेकर जितने नेता खड़े हैं चुनाव में किसी दल के हों उसको लेकर बैठो, बोलो ये जो है कसमार का जमीन आधा बंजर है, 3% 4% पर खेती हो रही है और मैक्सिमम लोग पलायन कर रहे हैं, आपको मैं अगर कसमार में 500 एकड़ जमीन दूँ तो आप क्या करोगे? मैं बता दे रहा हूँ कि 5 मिनट तक वो पाउज लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये विषय कहाँ से आ गया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। हम तो सोचे थे कि चुनाव में बूथ कैसे मैनेज करेंगे, किसको कितना देना होगा कि वो हमारे लिए 50 वोट बढ़ा देगा, कौन हमसे नाराज चल रहा है उसको कुछ दे लेकर के मना लेंगे, वो इसी पर मरे रह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लोग पढ़ो, फिर रिसर्च करो और रिसर्च करके सवाल खड़े करो और नेताओं को घेरो, मुझे घेरो और फिर पूछो कि समाधान आपके पास क्या है। हम शिक्षक पहले ही हम बताए इंटरव्यू में, मैं शिक्षक था, आप पूछो कि आप प्राइमरी में एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, हायर सेकेंडरी में क्या प्रॉब्लम है, कॉलेजेज में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका समाधान होगा? सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से नहीं चलेगा, प्रॉब्लम गिनाने के लिए 1000 नेता हैं, कई नेता तो प्रॉब्लम गिना गिना के नेता बन जा रहे हैं। समाधान, अगर प्राइमरी स्कूल में कोई अमीर आदमी अपने बच्चे को सरकारी में नहीं भेज रहा क्यों? प्राइवेट स्कूल इतना क्यों मुनाफा कमा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल बहुत चालाक हैं, आप प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने जाओ, आपको सैलरी कहेंगे CBSE को कि हम इसको 60,000 दे रहे हैं और 55,000 का चेक आपसे पहले ले लेंगे, 5,000 आपको सैलरी देंगे, आपके अकाउंट में जाएगा 60,000, आपको मिलेगा 5,000, ये गोरख धंधा चलता है। स्कूल टीचर होने के बावजूद आप गवर्नमेंट टीचर थे तो फिर अचानक से फिर तो उसमें तो अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है, अचानक से इसमें आने का क्या उद्देश्य? मैं जब शिक्षक था तो मैं शिक्षक संगठन का नेतृत्व भी करता था और जब मैं किसी विषय को उठाने जाता था मंत्री के पास तो उस मंत्री को कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या समस्या होता है नीचे, तो उसको मैं पहले समस्या समझाता था तो वो पागल हो जाता था, फिर लगता था कि ये हमें पसा रहा है और फिर वो मेरे साथ बात ही करना बंद कर देता था। तो अफसर के पास जाते थे, अफसर बोलता था मिनिस्टर कैबिनेट में बात रखेगा तब तो ये लागू होगा, हम क्या करेंगे, हम तो प्रोजेक्ट बना कर दे देंगे, प्रोसीडिंग बना कर दे देंगे, लेकिन वो तो कैबिनेट में पास होना है नियम, तो नियम तो नेता ही बनाएगा। तो सब मिला जुला करके समझ में आया कि हम जितने भी पढ़ जाएं, हम PhD कर जाएं, हम डॉक्टरेट कर जाएं, मेडिकल का MS कर जाएं, MD कर जाएं, लेकिन मेरे नियम बनाने वाला वहाँ बैठा जो है विधानसभा में लोकसभा में, वो उसके पास तो कुछ भी अकल नहीं है, वो तो व्यापारी है, माफिया है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जितने भी युवा लड़का है और जितने भी पब्लिक्स हैं वो आपको देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात, अभी लोकसभा का चुनाव है, किसी के बहकावे में ना आए, प्रत्याशी को देखिए,
प्रत्याशी सबसे पहली चीज है। कोई नेता कहता है मुझे देखो, मेरे प्रत्याशियों को मत देखो, सही बात है, तुम तो ईमानदार हो भाई साहब, लेकिन तुम्हारे नीचे वाला बेईमान है, आप वहां से भेजोगे कुछ वादा चुरा के खा जाएगा रास्ते में। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको इतना विश्वास है कि आपके नाम पर चुनाव होता है, तो आप सबसे पहले नीचे वाला प्रत्याशी भी सही चुनो, माफिया गुंडे लंपट को मत आने दो, किसी पर अगर आपराधिक क्रिमिनल केस चल रहा है उसको भी रोको, कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको भी रोको, और सही लोगों को नेतृत्व दो। भले ही वो लड़का नौजवान इसके जैसा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, इसके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन बेचारा कहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ईमानदारी भी मन में है कि हम स्टेट के प्रति कुछ काम करें, इसको बना दो। क्या जरूरत है किसी बड़े नामी गिरामी कद वाले नेता को रखने का, जिसका कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई आउटपुट ही नहीं। तो मैं कहता हूं जनता को कि मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े नेता भी पहले बोल गए हैं कि प्रत्याशी देखिएगा, पार्टी और नेता ऊपर का कुछ नहीं करता है, नीचे का प्रत्याशी हमको रोज मिलना है उसी से। अगर हमको कोई प्रॉब्लम लेके जाना है तो हमको सांसद के पास जाना है, प्रधानमंत्री के पास नहीं हम पहुंच सकते। अगर सांसद सही होगा तभी प्रधानमंत्री तक मेरी बात जाएगी। इसलिए सांसद हमेशा अच्छे व्यक्ति को चुनिए, विधायक हमेशा सोच समझ कर देख करके प्रत्याशी बनाइए। तो दर्शक लोग, जितने भी सर ने स्टेटमेंट दिए, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और वोट जो है वो सोच समझ के कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड।